70वें स्वाधीनता दिवस पर नई मुंबई के प्रशासकीय मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। बेलापुर के मिनी मंत्रालय कोकण भवन में विभागीय आयुक्त विलास पाटिल ने ध्वजारोहण किया और सुरक्षा कर्मियों की बैंड की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। वहीं मनपा मुख्यालय में आयुक्त अभिजीत बांगर ने, सिडको मुख्यालय में MD डॉक्टर संजय मुखर्जी ने और पुलिस मुख्यालय में CP विपिन कुमार सिंह ने तिरंगा लहराया। कोकण भवन ध्वजारोहण समारोह में मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर एवं पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह समेत तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। कोकण आयुक्त ने यहां कोरोना महामारी, बाढ़ और बारिश को बड़ी चुनौती बताते हुए लोगों की जिंदगी बचाने को अपनी प्राथमिकता बताया और सबके सहयोग का आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। स्वतंत्रता की 74वें वर्षगांठ पर नई मुंबई में जश्न आज़ादी का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर जहां बेलापुर के मिनी मंत्रालय कोकण भवन में विभागीय आयुक्त विलास पाटिल ने तिरंगा लहराकर सलामी दी, वहीं नई मुंबई मनपा मुख्यालय में आयुक्त अभिजीत बांगर ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रभक्ति की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। कोकण भवन के प्रशासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में NMMC आयुक्त अभिजीत बांगर, पुलिस आयुक्त विपिन सिंह समेत तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। यहाँ कोकण आयुक्त विलास पाटिल ने नई मुंबईकरों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज बाढ़, बारिश और कोरोना की आपदाओं के बीच लोगों की जिंदगी बचाना सबसे बड़ी चुनौती और हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रशासन की ओर से अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई और चुनौतियों से मिलकर लड़ने का आह्वान किया। 74वां स्वतंत्र दिन है। या संपूर्ण वर्षभरामध्ये आपण एक इयर लॉन्ग जे वर्षभर चालणारे बरेचसे कार्यक्रम आपण घेणार आहोत, कारण पुढच्या वर्षी आपण 75वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करू। महत्त्वाचे चॅलेंजेस अगदी आपल्या विभागाच्या दृष्टिकोनातून म्हणाल, गेल्याच महिन्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती पूर, अतिवृष्टी आणि वेगवेगळ्या प्रकारे दरडी कोसळणे, यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती मनुष्यहानी झालेली आहे, वित्तहानी झालेली आहे। आणि यासाठी म्हणून एक तर डिझास्टर मॅनेजमेंटचा एक प्लॅन व्यवस्थितपणे तयार करणे, तयार जरी असला तरी त्याची अंमलबजावणी देखील प्रत्यक्ष फील्डवरती करणे, हे खूप मोठ्या प्रमाणावरती चॅलेंज आहे। वही नवी मुंबई पुलिस मुख्यालय ग्राउंड पर आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया और पुलिस जवानों की परेड को सलामी दी। यहाँ पुलिस जवानों ने राष्ट्रभक्ति की धुन बजाकर आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त विपिन सिंह ने DCP ट्रैफिक पुरुषोत्तम कराड़, वासी के सीनियर पुलिस निरीक्षक विकास रामुगड़े समेत दर्जनों पुलिस कर्मियों को विशेष सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस जवानों को हेलमेट प्रदान किया गया। पुलिस आयुक्त ने यहां बेहतरीन पुलिसिंग के लिए NRI पुलिस थाने को मिले ISO सर्टिफिकेट को भी अधिकारियों को सुपुर्द किया। पुलिस आयुक्त ने स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सभी नई मुंबई कर को, आप सभी लोगों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत मैं इसका शुभेच्छा देता हूँ। सर्वन्ना 70वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभेच्छा मनापूर्वक। आणि दुसरा आपला जे आज आपला काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आम्ही विशेष पुलिस पदक, विशेष सेवा पदक मिळालेले आहेत, त्याच्या परत एकदा मी अभिनंदन करतो। काही आपल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना माननीय पुलिस महासंचालक समाज संबोध चिन्ह मिळालेले आहेत, ते पण त्याच्यापण आम्ही त्याच्या सर्वांचे परत एकदा आम्ही अभिनंदन करतो। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।